Hey guys, it's Emilio and हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है Foxy। तो आज हम करने वाले हैं Dragon Ball Super Manga Chapter Number 85 का रिव्यू। So वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। So without any further ado, let's get into the video। तो एक और 20 तारीख, एक और नया चैप्टर, एक और नया फॉर्म और फिर से वेजिटा जमीन पर। तो क्या ये फिर से कुछ चीज़ ऐसी नहीं लग रही हैं जो पास्ट में हो चुकी थी? तो यार ये ड्रैगन बॉल वाले रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, वेजिटा ज़मीन के नीचे जोक सपाट साइड में। तो इस चैप्टर में हमें देखने को मिला गोकू का एक न्यू फॉर्म। इस बार गोकू यूज़ करता है अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने इमोशंस के साथ मिक्स कर, मतलब जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू यूज़ करता है वह एक्चुअली में फॉर्म एंजल्स का है। पर इस बार जो गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ कर रहा है वो एंजेलिक फॉर्म को अपने मुताबिक अपने तौर से यूज़ कर रहा है, मतलब एक तरह से उस पर कंट्रोल पाकर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। हमें इस चैप्टर में ये भी दिखाया गया है गैस के बारे में कि गैस का भी एक नया फॉर्म है, पर यार उसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी यहाँ पर प्रकोप डालते हैं थोड़ा गोकू वेजिटा और क्या चल रहा है स्टोरी में उस सब में। तो यहाँ पर गोकू का तो एक नया फॉर्म फिर से आ चुका है। वेजिटा को इस चैप्टर में दिखाया गया है कि अल्ट्रा ईगो उसका इतना कैपेबल नहीं होता है और वो मार खा खा कर मारे जाता है और लास्ट में गिर जाता है। यार देखो बात ऐसी है, अगर आप इसको पॉजिटिवली लो, मैं देख रहा हूँ पूरे फैंडम में ये कहा जा रहा है कि वेजिटा के लिए बहुत अफसोस है, वेजिटा फिर से गिर गया, यार वेजिटा को तो मार ही देना चाहिए था इसको, ऐसा ऐसा। तो यार एक बात तो तुम देखो, गोकू अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से मार रहा है गैस को तो ये गोकू का अभी का फॉर्म नहीं है, ठीक है। और वेजिटा तो इसी चैप्टर में इसी मांगा में दिखाया गया है वेजिटा को कि अल्ट्रा ईगो का वो यूज़ कर रहा है। तो यार इस हिसाब से अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेकर गैस को मार देता है तो यार ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त से है और ये वेजिटा का नया नया फॉर्म है। तो यार कुछ फ्लॉ तो होना ही चाहिए था। तो यार अगर सही से तुम देखो, इसको सही तरीके से लो, तो ड्रैगन बॉल वालों ने एक तरह से सही किया है। देखो यार सिंपल सी बात है, जो जितना अच्छा दिखता है उतना होता नहीं है और जो जितना बुरा भी होता है वो भी उतना बुरा नहीं होता है। तो यार ऐसे ही आपको लेके चलना होगा। आने वाले वक्त में हमें वेजिटा का जो फॉर्म है उसका कैपेबिलिटी के बारे में मालूम चलेगा, ये फॉर्म एक्चुअल में कैपेबल है, वेजिटा इस फॉर्म से गैस को मार सकता है, ये भी ट्रूथ है, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी वेजिटा को थोड़ा वक्त चाहिए। टूर्नामेंट ऑफ पावर में जैसे कि सबने साबित कर दिया खुद को कि जब बात आएगी खुद के यूनिवर्स की, खुद के प्लेनेट की, तो वो अपनी जान लगा देंगे। वेजिटा इस बार अपनी जान लगा दिया था इसमें भी। यहाँ पे हमें दिखाया गया वेजिटा को दूसरी बार इस हद तक जाने में। वेजिटा कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करता और वो बस जो भी एनिमी होता है उसको ले डूबता है, पर इस बार शायद वेजिटा ने अपनी टेक्निक कोई गलत ले लिया। मार खा खा कर यार कैसे होता है? तो यार देखो ये तो आपको ही पता है, ये हकाईशिन यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टेक्निक है, जिसको नाम दिया वेजिटा ने अल्ट्रा ईगो। डिस्ट्रॉयर वाली टेक्निक को ऐसे तो यूज़ नहीं किया जाता, तो वेजिटा को ऑब्वियस सा बात है अगर इसका यूसेज सही से पता चल जाएगा, ट्रेनिंग करेगा, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ इसका निकाल लेगा हल और पॉलिश कर लेगा अपने इस फॉर्म को। अब बात करते हैं मोनाइटो और ग्रानोला की। यार देखो इस सब के बीच हमें इतना अंधा कर दिया गया वेजिटा वाले बात को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर कि हमें ये तो जहन में नहीं रहा कि अगर गैस सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट जो कि फर्स्ट में आता अगर ऐसा बोलो, तो उसके पीछे एक है जिसका नाम है ग्रानोला और वो यार मरा पड़ा था इससे कुछ पहले के चैप्टर्स में, क्या अब तक मोनाइटो ने उसे हील नहीं कर दिया होगा? तो यार देखो मुझे तो लगता है ड्रैगन बॉल वाले हमें बस इस सब चीज़ से नज़रअंदाज करने के लिए ये नया फॉर्म वाला खेल खेल रहे हैं या फिर वेजिटा को हरा रहे हैं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि मोनाइटो और ग्रानोला पीछे से कुछ कर दे जिससे कि हीटर्स का फिर से कुछ गड़बड़ हो जाए और वो अपने ईवल मकसद को कामयाब ना कर पाए। यहाँ पे हमें जैसे कि एलेक का बारे में नहीं बताया गया कि एलेक का विश क्या है, तो यार देखो हो सकता है कि पीठ पीछे इस सब जब एलेक यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है इस सब में ग्रानोला और मोनाइटो के बारे में, तो ये तो हो सकता है कि अगर एलेक का प्लान एक स्टेप आगे है तो ग्रानोला और मोनाइटो कुछ ऐसा कर दें कि वो दो तीन स्टेप आगे चल जाए और एलेक भी हक्का बक्का रह जाएगा। यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने ये कैसे कर दिया। और यहाँ तक बात रही हमें इस मांगा में चैप्टर में जो भी बोलो फ्रीजा के बारे में भी बताया गया है,
तो जैसा कि एलेक गैस के साथ बिहेव करता है, तो यार ये भाई वाला बिहेवियर तो रहता नहीं है, ठीक है। एलेक तो गैस पे अपना एहसान जताता है कि मैंने एहसान कर किया तुझ पे, तू स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया, चल अब इंसेंस को मार गिरा। पर हमारा असली मकसद, ये बात आप ध्यान से सुनना, इनका असली मकसद सेंस को मारना नहीं, फ्रीजा को मारना। तो यार देखो, फ्रीजा का भी कुछ रोल तो है इस मांगा में। क्या हमें देखने को मिलेगा फ्रीजा, इस सब के बारे में हमें पता चलेगा जब और नए चैप्टर्स आएंगे। वैसे भी ये मांगा तो सुनने में आ रहा है कि एंड ही होने वाला है, तो अब देखते हैं यार और कितने चैप्टर्स DBS वाले एक्सटेंड करते हैं इस मांगा को एंड करने के लिए। अब बात करते हैं एलेक और गैस की। देखो, इनका रिश्ता कैसा है नहीं है नहीं पता, पर गैस एलेक के लिए पूरी जान लगा देगा, ये तो है। हमें जो गैस का न्यू फॉर्म दिखाया गया है इस बार, उसमें हमें देखकर ये साफ पता चलता है कि गैस अब ज़्यादा देर का मेहमान नहीं है। और एलेक के इस स्टेटमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि ये चीज़ ट्रू है, क्योंकि एलेक ने गोकू से कहा था कि देयर इज़ नो नेक्स्ट टाइम फॉर गैस, मतलब गैस के लिए अब और कोई दूसरा टाइम नहीं है। तो देखो, जैसे कि ग्रेनोला विश मांगा था सिरिलियन ड्रैगन टोरानबो से स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए, तो ग्रेनोला की लाइफ घटकर 3 साल हो गई थी। तो अब हमें यही देखना होगा कि गैस की ज़िंदगी कितनी बची है। और गैस तो फिलहाल अपना ट्रू पोटेंशियल भी शो कर चुका लगता है, शायद ये गैस का ट्रू पोटेंशियल है। अब बस दिक्कत की बात ये है, गोकू के पास कुछ ऑप्शंस है, या तो गोकू इसके साथ अगर डोमिनेट नहीं भी कर पाए, तो अगर गोकू और इसका लेवल, गैस का पावर लेवल बराबरी का रहेगा, तो यार गोकू एक तरह से टाइम वेस्ट कर गैस का, मतलब समझ रहे हो ना, गैस खुद ही मर जाएगा अगर उसके पास उतना वक्त होगा नहीं तो। या फिर गोकू अगर गैस से भिड़ी नहीं पाएगा, तो फिर से गोकू वो चीज़ कर सकता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन वाला, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट। मतलब एट द एंड अल्टीमेटली अगर गोकू गैस से नहीं भी भिड़ पाए, तो ये हो सकता है गोकू गैस का टाइम खाएगा, और जैसे जैसे वक्त जाएगा, वक्त के साथ साथ गैस भी चला जाएगा, ये हो सकता है। दूसरा, क्या एलेक का विश क्या है, हमें अभी तक ये पता नहीं चला है। एलेक का विश हो सकता है, देखो, कुछ भी ना हो, मतलब कुछ उतना खास ना हो, पर ये भी हो सकता है कुछ ऐसा रहेगा कि जो हम लोगों ने सोचा ही नहीं, समझ रहे हो ना, मतलब वो कहानी का पूरा तुम ट्विस्ट कर दे, पूरा प्लॉट ही चेंज कर दे, कुछ ऐसा एलेक ने विश कर रखा होगा। ये चीज़ हमें पता करना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें पता भी होगा आने वाले चैप्टर्स में। तो अगर देखो, ये जो पूरा सेटअप चल रहा है ना, ये एक तरह से ड्रैगन बॉल वाले ना, देखो, पार्ट बाई पार्ट जोड़ रहे हैं। अगर तुम सही से समझने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें सब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, वो अलग बात है, ये वाला मांगा काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, पर देखो, मैं को कहूँगा कि मतलब एफर्ट है यार उन लोगों का भी, ठीक है। तो हमें भी इस मांगा में अगर एक्चुअली देखो, तो ऐसे फैन वाइज अगर पसंद नहीं आया, गोकू और वेजिटा के ऊपर इतना ये हुआ है, मतलब अब तक तो किसी को भी ख़त्म कर देते वो, पर अगर स्टोरी वाइज देखोगे, तो इसमें हमें क्या क्या मालूम चला। देखो, हमें कनेक्शन मालूम चला बारडॉक और गोकू के बीच, हमें मालूम चला कि ब्रॉली कितना कैपेबल है, जब वो लोग लड़ नहीं पाते थे गैस से, उस वक्त ब्रॉली गैस से लड़ता था, गैस को मारता था, थोड़ा बहुत ब्रॉली का कैपेबिलिटी के बारे में हम लोगों को पता चला। फिर यहाँ पे विश को भी दिखाया गया था कुछ सीन में, फिर हमें वहाँ पे ये नेचर पता चला गैस का, कि गैस जिससे तिससे तो भिड़ नहीं रहा, वो बस अपने मकसद के पीछे है, क्योंकि वहाँ पर गैस विश से तो भिड़ा नहीं था, ये चीज़ है। और यहाँ पे हमें कनेक्शन दिखाया गया है ग्रेनोला का, उसकी मॉम के साथ, उसके प्लैनेट के साथ, मतलब यार दिल में सबका एक रहता है, ग्रेनोला अनजान था। मतलब देखो, यहाँ पूरा एक गेम सेट वाला प्लॉट हुआ, ड्रैगन बॉल में इससे पहले ये सब कभी हुआ नहीं है। ये होता है ना, चाले चलते हैं चाले, तो ये सब चाले जैसे फ्रीजा चलता रहता है, एग्जैक्टली ये सब चाले चल रहा है एलेक। तो ये देखने में मज़ा आएगा कि आगे क्या होता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर यार मुझे कुछ बातें आपसे करनी थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ। तो या गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं अब शुरू करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल काकू में, जो कि एक फैन मांगा है, उसकी सीरीज भी मैं शुरू करने वाला हूँ। हाँ, जानता हूँ उसके कुछ पार्ट्स या फिर कुछ भी बोले एपिसोड चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, पर मैं उसे एक सीरीज वाइज लाइन से कवर करूँगा, तो मतलब एक सेट बाई सेट मेरे चैनल पर भी पूरा रहेगा, मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखें। तो गाइज, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अपना सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू लेटर।